हेलो गाइस, वेलकम टू साइंस एंड टेकमेनिया। जनरल साइंस के बायो के मिक्स्ड प्रैक्टिस सेट्स हैं ये, आपके उत्तराखंड के सारे एग्जाम्स में काम आएंगे। नॉट ओनली द उत्तराखंड जो बंदरगाह फॉरेस्टर का एग्जाम है, अप टू आपके ग्रुप सी के सारे एग्जाम्स में काम आएंगे और SSC CHSL और CGL के कुछ पार्ट्स को टच करेगा। ओके, नाउ पहला क्वेश्चन है, अल्फा अल्फा इज द नेम ऑफ काइंड ऑफ, अल्फा अल्फा जो है वो क्या है, इनमें से फॉरेस्ट है, क्रॉप है, ग्रास है या कुछ भी नहीं। तो अल्फा अल्फा इसमें है आपकी क्रॉप, ठीक है आपकी क्रॉप है। नाउ सेकंड क्वेश्चन, विच सेल इन आवर बॉडी हैव द लीस्ट रीजनरेटिव पावर, हमारी बॉडी में वो कौन सी कोशिकाएं हैं जो सबसे कम रीजनरेट होती हैं या ना के बराबर रीजनरेट यानी दोबारा बनती हैं। ब्रेन सेल, मसल सेल, बोन सेल या लीवर सेल, तो होती हैं जो हमारी मस्तिष्क की कोशिकाएं होती हैं यानी ब्रेन सेल होती हैं, ये हमारी रीजनरेट नहीं होती हैं। इसीलिए एज जैसे जैसे बड़ी होती जाती है, हमारी ओल्ड एज आती जाती है, हमारी क्या होती है, पावर कम होती जाती है। राइट, नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज करेक्टली मैच, टेटनस के लिए BCG का टीका, ट्यूबरक्लोसिस के लिए ATS का टीका, मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन और स्कर्वी के लिए थायामिन। ये क्वेश्चन मैंने जस्ट इसीलिए डाला क्योंकि आजकल हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन क्या आपकी बहुत ज़्यादा न्यूज़ में चल रही है। तो मलेरिया के लिए क्लोरोक्विन दवाई यूज़ होती है जो बेसिकली बनती है सिंकोना नाम के पेड़ की छाल से। तो जो ये क्लोरोक्विन है ये टॉक्सिक होती है और इसे ज़्यादा अमाउंट पे लेने पे ये टॉक्सिक होती है, और लेकिन जो हाइड्रोक्सीक्लोरोक्विन है ये कम टॉक्सिक दवाई है। द कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट इन द एयर दैट वी एक्सहेल इज अबाउट, जब हम सांस लेते हैं उस प्रक्रिया में जब हम कार्बन डाइऑक्साइड को अपनी नाक से छोड़ते हैं तो वो कितनी प्रतिशत छूटती है बताइए। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज अबाउट 4%। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्लड प्रेशर इज कंट्रोल्ड बाय, रक्तचाप को किसके द्वारा कंट्रोल किया जाता है, एड्रिनल ग्लैंड, थायरॉइड ग्लैंड, थाइमस या कॉर्पस लैटियम। तो जो हमारी ब्लड प्रेशर होती है वो कंट्रोल किया जाता है हमारी एड्रिनल ग्लैंड के द्वारा। एड्रिनल ग्लैंड हमारी किडनी के ऊपर 2 pair ऑफ ग्लैंड होती हैं, ठीक है, किडनी के ऊपर रहती हैं। इसका काम है ब्लड के प्रेशर को, स्ट्रेस हार्मोन को, इन सबको क्या करना, कंट्रोल में करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टोटल नंबर, सॉरी ये क्वेश्चन गलत है, मिस प्रिंट हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, फैट या फिर विटामिन, हीमोग्लोबिन इनमें से क्या है। हीमोग्लोबिन है आपका प्रोटीन। बेसिकली देखिए होता क्या है, हीमोग्लोबिन क्या होता है आपका ग्लोबिन, ग्लोबिन इज योर प्रोटीन एंड इसके साथ आपका आयरन जुड़ जाता है, दैट इज़ योर हीमोग्लोबिन। जो ये आयरन होता है ये आयरन ही ब्लड में हमारी ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी को बढ़ाता है, यानी ब्लड में हवा के मतलब जो हमारी ऑक्सीजन है उसको कैरी करता है, लेके जाता है और अलग अलग जगह तक पहुंचाता है, ठीक है। और अब क्या होता है, कभी कभी आपका कार्बन मोनोऑक्साइड ये हमारी आयरन से ज़्यादा बाइंडिंग प्रॉपर्टी होती है इसकी ग्लोबिन के साथ। तो जैसे ही ये ग्लोबिन के साथ जुड़ता है ये बनाता है अपने आप में कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन, ठीक है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन। और इसकी वजह से क्या होती है इंसान की, अगर हम इसके कंटिन्यूस उसमें रहें, टच में रहें कार्बन मोनोऑक्साइड की, तो क्या होती है, दम घुटने की वजह से मौत हो जाती है। इसलिए बोलते हैं कि आप जलती हुई अंगीठी है उसको बंद करके बंद कमरे के अंदर मत रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, बर्ड्स यूजुअली हैव सिंगल, बर्ड्स के पास क्या होता है सिंगल, एक ही रूप में यानी पेयर्स में नहीं होते, एक ही होते हैं, किडनी, लंग, टेस्टिस या फिर ओवरी। जो बर्ड होती है उसमें हमेशा ओवरी सिंगल होती है, एक ही ओवरी पाई जाती है, अनलेस ह्यूमंस में कितनी होती हैं, अ पेयर यानी दो ओवरीज मिलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन, इनमें से कौन सा एंजाइम प्रोटीन को कन्वर्ट करता है। ठीक है, प्रोटीन किस में कन्वर्ट होता है आपका बताइए, अमीनो एसिड्स में, राइट, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रैप्सिन या एंटेरोकाइनेज। तो विच एंजाइम कन्वर्ट्स प्रोटीन, पेप्सिन, ट्रिप्सिन, रैप्सिन या फिर एंटेरोकाइनेज। तो जो आपका एंजाइम प्रोटीन को बदलता है दैट इज़ पेप्सिन। अब ये पेप्सिन रिलीज कहाँ से होता है, पेप्सिन आपका रिलीज होता है फ्रॉम योर पैनक्रियास, ठीक है, इसकी हम सेपरेट वीडियो करेंगे डाइजेस्टिव सिस्टम की। द डेफिशिएंसी ऑफ आयरन इन मैन रिजल्ट इन, आयरन की डेफिशिएंसी जब किसी इंसान में होती है तो क्या होता है उसे, अनीमिया, नाइट ब्लाइंडनेस, स्कर्वी या रिकेट्स। सबसे कॉमन क्वेश्चन है दैट इज आपका क्या होती है उसे बताइए, एनीमिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रोटीन विच रेंडर्स अ सेल लेस ससेप्टेबल टू अटैक बाय वायरस कॉल्ड, प्रोटीन विच रेंडर्स अ सेल लेस ससेप्टेबल टू अटैक बाय वायरस, यानी वो कौन सा प्रोटीन है जो हमें वायरस के प्रति सचेत करता है या वायरस के प्रति हमारी सेल्स को बचाता है ताकि उसका अटैक ना हो पाए या ना के बराबर हो पाए। तो क्या है वो बताइए, एक्टोमायोलिन,
क्लोरोमाइसिटिन, हाइब्रिडोमाइड या इन्फेरॉन। देखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज़ योर इन्फेरॉन। अब जो ये इन्फेरॉन है आपकी बॉडी भी इसे क्रिएट करती है और मोस्टली ये हमारा बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कैंसर पेशेंट्स को दिया जाता है इन्फेरॉन, ठीक है। और आपका एड्स के पेशेंट्स को भी इन्फेरॉन डोज दी जाती है क्योंकि एड्स के पेशेंट्स का तो इम्यून सिस्टम वैसे ही बहुत वीक होता है और कैंसर पेशेंट्स का तो एक नॉर्मल सी डिजीज़ भी क्या होगी, बहुत डेडली हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हीमोफीलिया इज मोस्टली एसोशिएटेड विथ लेबरर्स, रॉयल फैमिलीज, माइनर्स या स्पोर्ट्स पर्सन। लेबरर्स में होता है यानी मजदूरों में, या रॉयल फैमिलीज में, या माइनर्स में, या स्पोर्ट्स पर्सन में। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ योर आपका रॉयल फैमिलीज। अब देखिए रॉयल फैमिलीज में क्यों होता है, इसके पीछे भी बात है कि सबसे पहले जो हीमोफीलिया कैरियर थी वो थी क्वीन विक्टोरिया। हाँ, जो क्वीन विक्टोरिया थी इंग्लैंड की, वो सबसे पहले हीमोफीलिया उनमें कैरी किया था उन्होंने। और इसके बाद उनके जो पोते हैं उनमें ये बीमारी, सॉरी पोते, उनके बच्चों में, लड़कों में मेनली ये पाई गई, और उनकी जो बेटियां थी वो कैरियर बनी। जो मेजरली जो इस तरीके की बीमारियां होती है, नाइट ब्लाइंडनेस, हीमोफीलिया, इसमें ये देखा गया है कि जो औरतें होती हैं वो मेजरली कैरियर का काम करती हैं, यानी वाहक होती हैं, बीमारी लेके जाती हैं, और जो मेल्स होते हैं वो इस बीमारी से ग्रसित हो जाते हैं। क्योंकि हमें पता है हीमोफीलिया कैसी बीमारी है, कैसी बीमारी होती है, यह जो हमारी पेरेंट्स टू फैमिली यानी फैमिली में आगे को बढ़ती रहती है, जीन प्रॉब्लम है ना ये। अब इसमें क्या होता है आपका हीमोफीलिया में बेसिकली हमारा जब ब्लड क्लॉटिंग नहीं हो पाती, यानी विटामिन के जो ब्लड क्लॉट करता है वो नहीं हो पाता, तो हमारा विटामिन के बनता कहाँ पे है, शरीर में, लीवर के अंदर है ना। तो मेजरली ये प्रॉब्लम लीवर के वहाँ से शुरू होती है और पूरे बॉडी को हमें झेलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि हीमोफीलिया में ब्लड क्लॉट नहीं हो पाता, ठीक है। तो इंसान अगर छोटी सी माइनर इंजरी भी होगी तो उसके लिए बहुत खतरनाक होगी बीमारी, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन, द पिगमेंट इन्वॉल्व्ड इन फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी इज, वो कौन सा पिगमेंट है जिसके वजह से फोटोसिंथेसिस होता है। फिर से बहुत बेसिक क्वेश्चन, दैट इज योर क्लोरोफिल, ठीक है। हम सोचते हैं कि एवरेज क्वेश्चंस नहीं आएंगे, देखिए एग्जाम में 60% रिपीटेड क्वेश्चन एंड एवरेज क्वेश्चन ही होते हैं, ठीक है। लेकिन 60% क्वेश्चन, उनमें से 60 में से 90% क्वेश्चन हर बच्चा कर लेता है, रेस्ट पार्ट के लिए हमें फाइट करना होता है। फ्री लिविंग नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर, वो कौन से ऑर्गेनिज्म हैं जो फ्री, जो नाइट्रोजन अमाउंट हमारी एटमोसफेयर में फ्री है उसको बदलते हैं और प्लांट्स के यूज़ करने लायक बनाते हैं। राइजोबिया, सॉइल फंगी, वेसिकुलर एब्रिसिकुलर माइक्रोरिजिया या ब्लू ग्रीन एल्जाई। तो देखिए इसका जो सही आंसर है दैट इज़ राइजोबिया। हमने पहले भी पढ़ा था जो राइजोबिया होता है यानी राइजोबियम बैक्टीरिया होता है, ये लेग्यूम्स यानी जो दलहनें होती हैं उनकी रूट्स में पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वेजिटेबल ऑयल्स आर कन्वर्टेड इनटू सॉलिड फैट घी, यानी वेजिटेबल ऑयल को हम घी में किस प्रोसेस के थ्रू कन्वर्ट करते हैं। हाइड्रोलिसिस, एडिशन ऑफ शुगर, ऑक्सीडेशन यूजिंग एयर एंड कैटलिस्ट या हाइड्रोजनेशन। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज़ योर हाइड्रोजनेशन। निकल की प्रेजेंस में इसका हाइड्रोजनेशन कराते हैं और हम चीज़ों को किस में बदल देते हैं, डबल बॉन्ड वाली चीज़ों में, ठीक। अ ड्रग विच हेल्प्स इन कंट्रोलिंग फीवर इज, ब्रूफिन, पेनिसिलिन, पैरासिटामोल या कॉर्टी स्टेरॉइड। तो बताइए इसका आंसर क्या है, बेसिक क्वेश्चन अगेन, दैट इज पैरासिटामोल। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेस्ट मेथड ऑफ डिस्पोजल ऑफ गार्बेज इज, वर्मी कल्चर, इंसिनरेशन, लैंड फिलिंग या बर्निंग। तो इसका जो सही आंसर है दैट इज योर लैंड फिलिंग, यानी गड्ढों में पहले आप कूड़ा भरिए, उसके बाद आप फिर मिट्टी की लेयर लगाइए, फिर कूड़ा भरिए, फिर मिट्टी की लेयर लगाइए, ठीक है। लेकिन इस प्रोसेस में भी आई थिंक इन में से ये आई थिंक सबसे अच्छी प्रोसेस है, वरना जो बेस्ट मेथड आई थिंक ऑर्गेनिक वेस्ट के लिए बनाई जा सकती है दैट इज़ कंपोस्ट मेकिंग। बेस्ट मेथड है कंपोस्ट मेकिंग। अगर ये कंपोस्ट मेकिंग यहाँ पे ऑप्शन में नहीं था तो इन ऑप्शंस के अकॉर्डिंग लैंड फिलिंग इज मेजर, क्योंकि आप वर्मी कल्चर यानी वर्मी कंपोस्ट बनाएंगे, वॉर्म्स के थ्रू भी कराएंगे तो उसमें बहुत टाइम लग जाता है, बहुत सारी कूड़े को, ऑर्गेनिक वेस्ट को खाद में बदलने में। लेकिन जो लैंड फिलिंग होती है उसमें ये प्रोसेस थोड़ी फास्ट होती है इन सब में, और इंसिनरेशन और बर्निंग तो वैसे ही क्या है, अच्छी प्रोसेस नहीं मानी जाती हैं अमंग्स दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन स्कॉर्पियन पॉइजन इज प्रेजेंट इन द, जो हमारा स्कॉर्पियन बिच्छू होता है उसमें जो जहर होता है वो कहाँ प्रेजेंट रहता है, लेग, हैंड, माउथ या स्टिंग। तो आंसर है आपका स्टिंग, यानी डंक में प्रेजेंट रहता है। द परसेंटेज ऑफ वाटर इन ह्यूमन ब्लड प्लाज्मा इज नॉर्मली, ह्यूमंस का जो प्लाज्मा होता है उसमें नॉर्मली कितना प्रतिशत पानी पाया जाता है। तो आंसर है आपका 91-92%। अब देखिए आपका क्या होता है, ये हमारा ब्लड है, टेस्ट ट्यूब जब हम ब्लड की भर लेते हैं तो उसके बाद जो आपका टॉप मोस्ट लेयर है इसे हम बोलते हैं प्लाज्मा, इसको जब सेपरेट करते हैं, ठीक है, सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड से, तो ये क्या होता है आपका सबसे ऊपर तैरता है प्लाज्मा, नेक्स्ट इज़ अप टू योर WBC और प्लेटलेट्स, और नीचे सबसे बॉटम में बच जाती हैं आपकी RBCs, ठीक। तो ये जो प्लेटलेट्स होती हैं ये लगभग, सॉरी, ये जो आपका प्लाज्मा होता है ये होता है पूरे ब्लड का 48-53% के आसपास होता है, और इसमें भी जो वाटर परसेंटेज होता है प्लाज्मा के अंदर दैट इज़ योर 91-92%, राइट। पूरे ब्लड में प्लाज्मा कितना होता है,
दैट इज़ 48-53%, और उस ब्लड में वाटर की उस प्लाज्मा में वाटर कितना होता है, दैट इज़ 91-92%। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोडियम पंप ऑपरेट्स इन, सोडियम पंप किसमें से किसके यूज़ में आता है, किस प्रॉब्लम में आता है, मसल कॉन्ट्रैक्शन, हार्ट बीट, नर्व इम्पल्स या नन ऑफ दी अबव। उसका सही आंसर है आपका नर्व इम्पल्स, दिया करता है सोडियम पोटेशियम के मेम्ब्रेन से आने और जाने की प्रोसेस को कंट्रोल करता है। नेक्स्ट, द एलिमेंट विच इज़ रिच इन मोस्ट लीफी वेजिटेबल, हरे पत्तेदार सब्जियाँ होती हैं उनमें कौन सा एलिमेंट पाया जाता है, बेसिक आयरन। नेक्स्ट क्वेश्चन, पोलियो इज कॉज्ड बाय, पोलियो इनमें से किसके द्वारा होता है, दैट इज योर बैक्टीरिया, फंगस, वायरस, इंसेक्ट। आंसर है आपका क्या, वायरस। आप लिखिए कमेंट सेक्शन में कि कौन सा वायरस पोलियो फैलाता है। टू विच ग्रुप ऑफ ब्लड एंड यूनिवर्सल रेसिपिएंट बिलोंग्स, यूनिवर्सल रेसिपिएंट मतलब जो सबसे ब्लड ले सकता है वो कौन सा होता है, ए बी ओ या ए बी। देखिए ए ग्रुप तो सिर्फ ए वाले से लेगा और ए वाले को ही देगा, बी बी वाले से लेगा बी वाले को ही देगा, एंड नेक्स्ट इज योर ओ ग्रुप, ये यूनिवर्सल डोनर होता है, बचा ए बी ग्रुप, दैट इज़ योर यूनिवर्सल रेसिपिएंट, ये सबसे ब्लड ले सकता है और सिर्फ ए बी वालों को दे सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी फॉल्स क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोलंबा लीविया इज साइंटिफिक नेम ऑफ किसका है, पिजन, स्नेक, रैबिट या फिर शार्क। तो जिसका सही आंसर है दैट इज़ पिजन, ठीक है, पिजन का साइंटिफिक नेम है आपका कोलंबा लीविया। नेक्स्ट क्वेश्चन, बोन्स आर न्यूमैटिक इन, इनमें से किसकी बोन्स न्यूमैटिक होती हैं, ऑप्शन ए फिशर, एम्फीबियंस, रेप्टाइल या फिर बर्ड्स। तो इसका सही आंसर है दैट इज़ योर बर्ड्स। अब ये न्यूमैटिक होता क्या है, तो आपकी न्यूमैटिक बोन्स होती हैं, जैसे बोन्स होती हैं तो उसमें छोटे छोटे आपके एयर सैक्स होते हैं, जैसे बोन है तो उसमें छोटे छोटे एयर सैक्स होते हैं जिनमें क्या होती है, हवा भर जाती है, और जो ये हवा होती है ये क्या कर देती है, लाइट वेट कर देती है आपके बोन्स को, जिसके वजह से उनकी बोन्स हल्की हो जाती हैं, और ये ज़रूरी भी है क्योंकि उन्हें बहुत लंबी लंबी डिस्टेंस तक क्या करना होता है, उड़ना भी होता है, ठीक है। तो ये था आज का लास्ट क्वेश्चन। सो गाइज, अगर आपको ये पसंद आता है तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल साइंस एंड टेक मेनिया, प्लीज़ मोटिवेशन मिलता है इससे, और अच्छे मैं क्वेश्चन आपके सामने लेके आऊँगी। और डू कमेंट सेक्शन में ये लिखिए कि आपको किस टाइप के क्वेश्चन चाहिए और कौन सी सीरीज़ आपको शुरू करनी है, इधर मैं इसके बाद बायो ही कंटिन्यू रखूँ या फिर केमिस्ट्री या फिजिक्स के मिक्स प्रैक्टिस सेट लेके आऊँ। आई थिंक हमें बायो ही कंटिन्यू रखना चाहिए क्योंकि कंटिन्यूटी बनी रहती है, बाकी अप टू यू, आप कमेंट सेक्शन में लिखिए, मैं वही वाला प्रैक्टिस सेट स्टार्ट कर दूँगी। ओके, बाय बाय, टेक केयर यू ऑल।